हेलो एवरीवन, मैं स्नेह किचन पंजाबी तड़का। आज हम गोभी गाजर शलगम का अचार बनाएंगे, जो कि पंजाब की ये ट्रेडिशन रेसिपी है। ये खट्टा मीठा अचार गोभी गाजर शलगम का, और ये हमें मतलब कि बहुत ही पुराने ये अचार की रेसिपी है। वो पहले तो मेरी मदर बनाते होते थे ये वाला अचार, अब मैं ये अचार बनाती हूँ। उनसे ही मैंने सीखा था। ये बहुत ही समझ लो 100 साल पुरानी ये रेसिपी है, ये अचार की, खट्टा मीठा अचार। उनसे ही हमने सीखा, उन्होंने आगे अपनी मदर से सीखा था। ये पुरानी अचार की प्रथा चली आ रही है ये। सो अब इसको हम पील करते हैं और फिर इसको वॉश करेंगे अच्छी तरह हॉट वाटर से। मैंने एक बार इसको अच्छे वॉश कर लिया, अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब इसको हम पील करते हैं, कैरेट को हम पील कर लेते हैं ऐसे। इसे पील कर लेंगे। फिर इसको हम, ये देखिए गाइस, हमने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। इसमें हम गोभी गाजर शलगम डालेंगे, पानी में से निकाल लेंगे। पहले पानी अच्छी तरह बॉयल हो ले, और इसके कैरेट के हम पीसेस कर लें। ये देखिए गाइस, हम इसके ऐसे पीसेस कर लेंगे। आप जैसे मर्जी स्टाइल में कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे चॉपिंग कर सकते हो आप। मैं ऐसे कर रही हूँ, मुझे ऐसे अच्छी लगती है। शलगम की भी आप ऐसे ही कर सकते हो। ऐसे ऐसे पीसेस में काट लेंगे, इसके ऐसे पीसेस काट लेंगे हम सारे, चॉप कर लेते हैं। अब ये देखिए गाइस, हमने ये चॉप कर लिया है। अब इसको हम बॉइल वाटर में डालते हैं। देखो, इसके मैंने ऐसे फ्लोरेट्स निकाल लिए, और ये सारे मतलब कि 1/2 kg के करीब हैं सारे तीनों। और ये गोभी के जो डंडल बच जाते हैं ना, इसकी भी आप बहुत अच्छी रेसिपी बना सकते हो, डिश बना सकते हो। इसको पीसेस में, लंबे लंबे पीसेस में काट के, जीरे का तड़का लगा के, थोड़ी सी हरी मिर्ची, जीरा डाल के, अमचूर डाल के, मसाले डाल के इसको बना सकते हो। खट्टे में, खट्टा स्टाइल में बनती है ये बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारे बच्चे तो वेट करते थे कि गोभी के डंडल बचे और हम खाएं ये। इसको आप परौंठी के साथ, राइस के साथ, या चपाती के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो डंडल को। इसको डंडल वाली सब्जी बोलते हैं, बहुत ही यम्मी बनती है। मैं उसकी रेसिपी भी आपको डालूंगी। अब हम सारी वेजेस हम सारी बॉयल वाटर में डालते हैं। इसको 2 मिनट के लिए यहाँ पे इसमें रखेंगे, और फिर इसको ड्रेन कर देंगे, मोटन से निकाल देंगे, और एक कपड़े, सूती कपड़े में इसको बिछा देंगे। आधा घंटा या 1 घंटे के लिए इसको पंखे के नीचे रख देंगे। अगर धूप तेज है तो आधा घंटे धूप में रख दे, मतलब कि पानी सारा सूख जाना चाहिए। ये देखिए, हमारी सब्जियां अच्छी तरह से बॉयल हो गई हैं गर्म पानी में। 2 मिनट के लिए बस हमने रखना है, इनको ज़्यादा गलाना नहीं है। बस इसको हम ड्रेन कर देते हैं। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट भी डाला था, इससे है कि अंदर तक ये सॉल्ट चला जाता है अचार वेजेस के। अब इसको ड्रेन करते हैं वाटर से, और एक छलनी में हम इसको ड्रेन कर लेते हैं, पानी निकाल देते हैं इसका। इसको हम एक सूती कपड़े में डाल देते हैं। अब हम सारी वेजीज को इसमें डाल देते हैं सूती कपड़े में। इसका सारा पानी सोख लेगा, और हम फिर अचार की तैयारी करेंगे। इसको हम पंखे के नीचे रख देते हैं 1-1.5 घंटे के लिए। पानी सारा सूख लेना चाहिए, फिर अचार डालना। इसको हम ऐसे सारा अलग अलग कर देते हैं। हम मसाले को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, फिर ग्राइंड कर लेते हैं इसको, सूखे मसाले। ये देखिए गाइस, हमारा ये अचार बिल्कुल सूख गया है। ये देखिए, बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा है। इसको हमने 1-1.5 घंटा के लिए सुखा दिया था फैन के नीचे। ये देखिए, बिल्कुल सूख गया ये। अब इसके मसाले हम बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने ये ब्लैक कार्डमम लिए है, ये मेरे 4-5 कार्डमम लिए है,
और ये 1/4 कप ये मैंने लिए, ये क्यूमिन सीड्स, ये 6 टेबलस्पून है ये क्यूमिन सीड्स, ये दालचीनी लिया 3 छोटी सी, ये 10-15 मैंने क्लोव्स लिए लौंग, ये मस्टर्ड और सीड्स चॉप की हुई लिए ये पाउडर टाइप, ये जैगरी भी 1 कप, और ये 3 टेबलस्पून मैंने ये सिरका लिया, इसको हम पानी में और सिरके डाल देते हैं, इसमें भिगने के लिए रख देते हैं इसको, ये सब बाउल में डालते हैं, ये इसमें सिरका डाल देते हैं, इतनी देर डिप होता है ये, तो इन्हें हम ये ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, ये सारे ड्राई मसाले हमने गैस में रख दिया पैन, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये मेल्ट हो जाएगा उतनी देर, फिर हम ये रोस्ट कर लेते हैं। देखिए गाइस हमने पैन रख दिया, इसके हम कार्डमम डालते हैं, इलायची और एक क्यूमिन सीड्स डालते हैं, सिमन स्टिक्स, क्लोव्स, लौंग, इसको हम 2-3 मिनट के लिए रोस्ट करते हैं, फ्लेम हमारी स्लो होनी चाहिए गैस की, इसको हमने मॉइस्चर निकालना जस्ट, इसको रोस्ट करके फिर ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे, इसको पाउडर टाइप सेमी पाउडर बना लें, बिल्कुल क्रश नहीं करना ज़्यादा, सेमी टाइप थोड़ा गदरदरा टाइप। आजकल तो हम गैस में ही रोस्ट कर लेते हैं सूखे मसाले, जो ड्राई मसाले होते हैं, पहले तो धूप में रख देते थे, धूप में रख के ये थोड़े ड्राई हो जाते थे, फिर इसको पाउडर फॉर्म में मिक्सी में ग्राइंड कर लेते थे। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है, बस रोस्ट होने वाला है ये मसाला, देखिए गाइस रोस्ट हो गया ये हमारा मसाला, और इसको हम बंद करते हैं गैस को, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और ये इतनी देर हम मसाला भून लेते हैं, ये हमने 1 कप से भी थोड़ा सा लिया हमने ऑयल, 3/4 कप लिया हमने, 3/4 कप मैंने ये सरसों का ऑयल डाला इसमें पहले में, सरसों का ऑयल ही बेस्ट होता है अचार के लिए, अगर आप और कुछ डालना चाहते हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग या टेस्ट के अकॉर्डिंग, वैसे तो सरसों का ऑयल ही अच्छा होता है। इसको हम गर्म होने देते हैं, फिर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसमें अदरक वगैरह डालेंगे, आप जो गार्लिक खाते हो वो गार्लिक डाल सकते हो, मैं गार्लिक नहीं खाती, मैं इसको हींग डालूंगी, इसलिए अदरक थोड़ी सी मैंने ज़्यादा इसलिए डाली है। ये देखिए गाइस तेल हमारा गर्म हो गया, गैस हम बंद कर देते हैं, बहुत गर्म हो गया, ये देखिए गाइस हम तेल हमारा ठंडा हो गया है, अब इसमें हम हींग डालेंगे, 1/2 टीस्पून से भी ज़्यादा मैंने हींग डाली है, क्योंकि मैं लहसुन नहीं डालती, इसलिए इसमें मैं अदरक भी डाल देती हूँ, अगर हम गर्म गर्म में अदरक डालते भिंडर डाल देते तो उसमें सारा जल जाना था, तो हम स्लो फ्लेम में हम करेंगे इसको, जो गार्लिक खाते हैं वो इस टाइम गार्लिक भी डाल सकते हैं जिंजर के साथ, मैंने ये हींग डाली है, अभी ड्राई हो जाए रोस्ट गोल्डन ब्राउन हो जाए जिंजर, फिर इसमें हम गुड़ जैगरी डालेंगे और सिरके वाला जो हमने इसको भिगो के रखा है सिरके से, तो हमने स्लो फ्लेम में करना, मीडियम स्लो फ्लेम में करना है, अगर हम तेज करेंगे तो ये सड़ जाएगी, जल जाएगी सारी अदरक, इसलिए फ्लेम हमने मीडियम स्लो ही रखनी है, लो टू मीडियम। गोभी गाजर का अचार जब भी बनाओ ना, इसकी खुशबू सारे घर में फैल जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है, सर्दी आने की वेट होती है मेन कब ये अचार बनाए खट्टा मीठा,
आम से भी ज़्यादा अच्छा लगता है ये, पर सीजनल है ना, सीजनल चाट हमेशा कोई ना कोई बनाना चाहिए सीजन में। मैं बना रही थी, मैंने कहा चलो आपके साथ रेसिपी शेयर कर लेते हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं ये खट्टा मीठा चाट। पंजाब की ये ट्रेडिशनल रेसिपी है ये खट्टा मीठा चाट, हर कोई बनाता है ये, पर बनाता सारे अलग अलग स्टाइल से अपने, लेकिन जो पुरानी रेसिपी है वो ऐसे ही है। जिंजर कीवी की खुशबू बहुत अच्छी होती है जब ये भून रहे होते हैं ना, बहुत ही अच्छी खुशबू लगती है इसकी। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है जिंजर हमारी, जिसमें हम जैगरी डालते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया, ज़्यादा करेंगे तो काली हो जाएगी, फ्लेम हमने स्लो कर दी है। इसमें हम जैगरी वाला लिक्विड डाल देते हैं। इसको भी मेल्ट कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो गया, जैगरी हमारा मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। ये देखिए ये हमने ये मस्टर्ड सीड्स पाउडर फॉर्म में लिया, हमने क्रश किया हुआ है इसको, और ये ग्राइंड किया हुआ मसाले हम डाल रहे हैं इसमें। ये मैंने 1.5 ये रेड चिली ली है कश्मीरी मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है। ये मैंने 3 टेबलस्पून मैंने ये सॉल्ट लिया, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, इसको हमने अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें हम ये सारे वेजेस डाल देते हैं, शलगम गोभी और गाजर, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। फ्लेम हम बंद कर देते हैं, गैस को हम बंद कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया, खुशबू बहुत ही अच्छी इसकी आती है जब ये चार बनता है, बहुत खुशबू अच्छी आती है इसकी। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है मसाले को, ताकि ये सब जगह कोट हो जाए मसाला, सारी वेजेस पे लग जाए। अब मेन जो है वो हमारा जार है, जार को हमने पहले स्टरलाइज करना है गर्म पानी से, और इसको अच्छी तरह धो के गर्म पानी से फिर धूप में इसको सुखाना है। कांच के बर्तन में ये हमने ये जार डालना है ताकि ये ख़राब ना हो। और एक स्पेशल टिप मेरी, मैं हमेशा हर चार में ये 1 टीस्पून में ये शुगर डालती हूँ, इससे मेरे ये चार कभी ख़राब नहीं होता। मैं जो भी चार डालती हूँ इसमें ज़रूर डालती हूँ, ये स्पेशल टिप है ये मेरी। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। ये देखिए चार हमारा बन के रेडी हो गया है। ये देखिए गाइस हमारा ये चार बन के रेडी हो गया है। इसको हम जार में डालते हैं। इसको जार को अब स्टरलाइज कर लें अच्छी तरह, और इसको गर्म पानी में निकाल के कांच वाले जार में डालना है, और उसको गर्म पानी में करके स्टरलाइज, और फिर इसको धूप दुखानी है, फिर सूख जाए तो फिर चार को डालना हमने, और गिल्ले हाथ नहीं लगाने और अनाज वाले हाथ नहीं लगाने, सूखे हाथ लगाने हैं, तब आपका चार बहुत दिनों तक टिका रहेगा, ख़राब नहीं होगा, और आप ये खाएं इंजॉय करें। इसको हम 3-4 दिन तक खा सकते हैं, ये सारे मसाले अच्छी तरह रहते हैं। एक दिन आप धूप दिखा दें और वो इसको अच्छी तरह हिलाते रहा करें ऊपर नीचे से, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप बनाएं और मेरे से शेयर करें कि आपको ये मेरा गोभी गाजर का चार कैसे लगा। ये देखिए हम जार में डालने लगे, ठंडा हो गया ये, एक घंटा हो गया हमने इसको ठंडा कर दिया। इसको हम जार में डाल के 3-4 दिन के लिए इसको रख देंगे, और एक दिन हम धूप दिखाएंगे, बस एक दिन ही दिखानी थी धूप, उसके बाद आप इसको हिलाते ही रहा करें। ये देखिए गाइस हमने जार में डाल दिया, उसको हम बंद कर देते हैं। एक यही सावधानी होती है कि अचार को अच्छी तरह पहले
काट वो जीरा वॉश कर लो और उसको गर्म पानी में से बॉईल करके पानी एक दो मिनट इसको बॉईल करके उसी टाइम निकाल लो, ज़्यादा देर नहीं रखो नहीं तो बहुत ही मतलब गल जाता है और जीरा उड़ जाता है जैसे होता है ना वो हो जाता है। तो इसको फिर मसाले भून के अच्छी तरह तो आप चार डालो, चार को स्टरलाइज कर लो अच्छी तरह तो आपका भी चार ऐसे ही बनेगा अच्छी तरह। आप खाएँ और मेरे साथ शेयर करें कि आपको ये गोभी गाजर का चार कैसे लगा। थैंक यू सो मच गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहा करें। इन्जॉय योर चार गोभी गाजर शलगम विंटर स्पेशल चार।